नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है और आपका स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ तंत्र में। जैसा कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगमन बहुत जल्द होने जा रहा है, यानी कि परसों ही होने जा रहा है, जिसके चलते सभी प्रत्याशी अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं और हमारा चैनल लगातार लगा हुआ है आपको कुछ नए और बेहतर चेहरों से मिलवाने के लिए। और जो होड़ मची हुई थी कुछ समय से टिकट्स को लेकर, अब वो समाप्त हो चुकी है क्योंकि सभी राजनीतिक दल ने अपने अपने टिकट्स को क्लियर कर दिया है। इसी बीच कुछ नए चेहरे भी हैं जो आजकल जनता के बीच एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी संबंध में आज हम आए हैं निवाड़ी विधानसभा, जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा योग्य प्रत्याशी से, जो कि निर्दलीय अपने चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं जनता के प्रति इनके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इनके विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ तंत्र में। धन्यवाद सर। वैसे तो आप काफ़ी लोकप्रिय चेहरा हैं अपने विधानसभा क्षेत्र का, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि एक बार आप अपना परिचय स्वयं हमारे चैनल के माध्यम से करें। डॉक्टर रामाधार वशिष्ठ जी, यानी निवाड़ी विधानसभा। सर आपका चुनावी चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है गन्ना किसान। किसानों के हित में काम करने के लिए, आम जनता के हित में काम करने के लिए गन्ना किसान को चुना है जी। और गन्ना किसान के लिए तो काम कर रहा हूँ। सर जैसे कि आपने बताया कि आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में उभरे हैं, तो मूल रूप से आप जनसंपर्क भी कर ही रहे हैं, आपसे जनसंपर्क के दौरान ही हमारी मुलाकात हो रही है। तो सर इन जनसंपर्क के दौरान जनता के द्वारा वो कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जो आपको सुनने को मिल रही हैं? एक तो समस्या है आतंक की जी, लोग बहुत परेशान हैं, बोल नहीं पाते हैं, अपनी बात नहीं रख पाते हैं, भय के कारण कुछ कह नहीं पाते हैं, और सत्ता का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके कारण ये सब हो रहा है। और आम समस्या तो है, जैसे शिवराज जी ने बहुत सी घोषणा की है, उनका लाभ भी मिल रहा है, लेकिन वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए था। इसलिए आरएसएस के पूर्व प्रचारकों ने जनहित पार्टी का गठन किया, जिसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए मैं जनहित पार्टी का समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। और मैं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की मेरी मांग है, वो होनी चाहिए, और आम जनता के हित में काम होने चाहिए। छोटी छोटी समस्याओं के लिए जनता परेशान होती है, तहसीलों में अदालतों में परेशान होती है, और बहुत पैसा खर्च होता है और उनके कोई काम नहीं होते हैं। भ्रष्टाचार इतना है कि किसी विभाग में चले जाइए बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। सही है, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि भ्रष्टाचार जो है वो काफ़ी ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है मध्य प्रदेश में, क्योंकि अगर किसी भी गरीब आदमी को अपना कोई सरकारी काम कराना होता है तो सरकारी दफ्तरों में सरकारी अफसरों द्वारा उससे घूस मांगी जाती हैं। हर ठेके को 50% कमीशन पे किया जाता है, जिसमें जो रोड 10 साल चलनी चाहिए वो सिर्फ 2 साल में ध्वस्त हो जाती है। यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री जी की आवास योजना है और शौचालय, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय और आवास योजना दिए जाते हैं, तो उसमें भी भ्रष्टाचार होता है, सरपंचों द्वारा 10-10, 20-20 हज़ार की घूस ली जाती है। सर देखा जाए तो आपके विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है? आम नागरिक का शिक्षा का स्तर कम है जी। सर जो सरकारी स्कूल हैं, क्या वो अच्छे से संचालित हो रहे हैं या उसमें भी कोई कमी है? क्योंकि कई बार ये शिकायत सुनने को मिलती है कि जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें टीचर्स उपलब्ध नहीं होते हैं, टीचर्स समय पर नहीं आते हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूल होते हैं उसमें ये भी शिकायत सुनने को मिलती है कि जो मिड डे मील योजना है वो भी अच्छे से संचालित नहीं होती है, जो पुष्टाहार बच्चों को मिलना चाहिए क्या वो अच्छे से मिल रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र में, या उसमें भी कोई कमी है? मैंने कई बार निरीक्षण किया है जी, छापे मारे हैं और अक्सर कमियां मिली हैं, कहीं तो संचालित ही नहीं हो रहे हैं। कई विद्यालयों में खाद्यान्न संचालित ही, मध्यान्ह का संचालित नहीं हो रहा है, संचालित ही नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब शिक्षा का स्तर काफ़ी निचला है और काफ़ी गिरा हुआ है। और विद्यालय अतिथि शिक्षकों के बल पर चल रहे हैं, वास्तव में जो पुराने कर्मचारी हैं वो कुछ नहीं करते हैं। जो पुराने कर्मचारी हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अतिथि शिक्षा कभी जो ज्वाइन किए हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं जी। सर साथ ही साथ देखा जाए तो आपके निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएँ किस प्रकार से संचालित हो रही हैं? क्योंकि इसमें भी कई बार ये शिकायत सुनने को मिलती है कि जो सरकारी अस्पताल हैं वो अच्छे से संचालित नहीं होते हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो उसमें उपलब्ध नहीं होते हैं, कई बार लेडीज़ डॉक्टर नहीं होती हैं, और अगर डॉक्टर्स उपलब्ध भी हैं तो वो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पे बैठता है और उससे जांच करता है मरीजों की, जिसमें जो एक लाभ मिलना चाहिए सरकारी अस्पताल होने का वो जनता को नहीं मिल पाता है।
तो क्या ये समस्या आपके विधानसभा क्षेत्र में भी है? समस्या है, डॉक्टर लोग अपने अपने क्लिनिक चला रहे हैं जी, और मरीज को वहाँ ढंग से देखते नहीं हैं। अभी 15 दिन पहले की घटना है, एक महिला का हाथ टूट गया, उसको डॉक्टर ने वहाँ वैसी पट्टी कर दी जी, प्लास्टर भी चढ़ा दिया, लेकिन हाथ को देखा ही नहीं, दूसरे से कंपाउंडर वगैरह से चढ़वा दिया। अच्छा। और उसका हाथ टेढ़ा का टेढ़ा रह गया, और उसके दोबारा उसके घर गए तो कहा 35,000 रुपये लगेगा तब प्लास्टर, यानी कि शिक्षा का स्तर भी काफ़ी निचला है और स्वास्थ्य सेवाओं का भी काफ़ी निचला स्तर है। लेकिन सर इसके अलावा एक देखा जाए तो एक वो महत्वपूर्ण समस्या निकल कर आती है जो आजकल चर्चाओं में कम रहती है, ये पूरे मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या आपके विधानसभा क्षेत्र में भी है जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि रोडों पर आवारा जानवर यूं ही घूमते रहते हैं जिसके कारण कई बार दुर्घटनाएं हादसे भी हो जाते हैं, जिसमें ना सिर्फ मनुष्य जान को क्षति पहुँचती है साथ ही साथ गोवंश की जान को भी क्षति पहुँचती है, और तो और सर जो किसान भाई बहन हैं वो भी उन गोवंश से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो उनकी खेती में नुकसान करते हैं। सर जब कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार आई थी तो उन्होंने 1,000 गौशालाओं का निर्माण करवाया था, लेकिन सवाल आज ये उठता है कि वो अच्छे से संचालित क्यों नहीं हो रही हैं, क्या ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं? बिल्कुल जी, कमलनाथ जी ने जो काम किया, जो काम 25 करोड़ एक कंपनी ने दिया था और एक ने 20 करोड़ में दिया था जी, तो 20 करोड़ वाले को 25 करोड़ जो दे रहा था टेंडर में उसको ना देकर 20 करोड़ वाले को दिया था। अच्छा। लोगों ने प्रश्न पूछा पत्रकारों ने, बोले वो जो क्या अनुभवी है वो कर ले जाएगा, इस तरह से 20 करोड़ रुपया उसको तत्काल नकद दे दिया गया और उसका कोई लाभ नहीं हुआ, वो काम हुआ ही नहीं। इस प्रकार की हर जो भी बनी है गौशाला बनी है कोई भी काम हुआ है सब केवल कमीशन के आधार पर हुआ है, काम कुछ नहीं हुए। सर आज की तारीख की सबसे बड़ी समस्या और सबसे अहम समस्या जो सिर्फ ना सिर्फ आपके विधानसभा क्षेत्र ना सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, बेरोज़गारी। बेरोज़गारी जैसी एक अहम समस्या का निराकरण आप किस प्रकार से करवाएंगे? हम लघु उद्योग जो लघु उद्योग के द्वारा लघु उद्योगों पर ध्यान देंगे जाएंगे और उनको छोटे छोटे उद्योग लगाकर उनको विकास करेंगे। सर और क्या करेंगे आप बेरोज़गारी के लिए? बेरोज़गारी के लिए सब जो बेरोज़गार हैं उनको अपना उनको सिखाएंगे, काम सिखाएंगे, काम कराएंगे उनको, और उनको धन ऋण देकर उनको उद्योग खुलवाएंगे जो जिस योग होगा, मतलब जो जिस योग होगा उसके हिसाब से उसको रोज़गार दिलवाने का प्रयास करेंगे। सर जैसे कि आपसे कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में हमने चर्चा करी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और भी मूलभूत सुविधाएं और भी कुछ अन्य समस्याएं हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करी, तो ये समस्या एक आज की तो है नहीं, ये समस्या काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, तो जो वर्तमान के विधायक है क्या उन्हें ये समस्याएं नज़र नहीं आ रही थी या उन्होंने इन समस्याओं पे कोई ध्यान नहीं दिया या उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया, आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि विधायकों को अपने अपने कमाने की पड़ी रहती है जी, और आम जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं रहता है। अच्छा, मतलब उन्होंने अपने जेब भरने की सोची लेकिन जो जनता का भला करने की बिल्कुल नहीं सोची। हाँ। सर आने वाले चुनाव में आपके कौन कौन से मुख्य मुद्दे होने वाले हैं जिस पर आप विकास के कार्य कराना चाहते हैं? अभी बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ सड़कें नहीं हैं जी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ही नहीं मिल पा रही हैं, तो आप मूलभूत सुविधाओं पे प्राथमिकता देंगे, सड़कों का निर्माण कराएंगे, विद्यालय की स्वच्छता देखेंगे, विद्यालय के भोजन का वो देखेंगे जी, और शिक्षा का स्तर देखेंगे जी, अतिथि शिक्षकों को जो काम कर रहे हैं उनको परमानेंट कराने का काम करेंगे। हाँ। और सर भ्रष्टाचारी क्या आपके एक अहम मुद्दा रहेगा, एक प्राथमिकता रहेगी अगर भ्रष्टाचारी को मिटाने के लिए? भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार देश को खोखला कर देता है, आम आदमी जाता है काम के लिए, काम नहीं होता है, महीनों पर परेशान होता है, उससे देश का विकास रुकता है, कृषि का विकास रुकता है, इसलिए भ्रष्टाचार को समाप्त करना ही होगा। भ्रष्टाचार के लिए हम संघर्ष करेंगे, शुरू से संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे समस्त निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता से? मेरे प्यारे निवाड़ी के मतदाता बंधुओं, बहनों, माताओं, प्रदेश का विकास, देश का विकास, क्षेत्र का विकास तब ईमानदार व्यक्ति विधायक बनेगा तभी हो सकता है। ये बड़े बड़े पैसे वाले लोग पैसे देकर जो वोट खरीद रहे हैं उनके द्वारा आपका भला नहीं हो सकता, इसलिए आप अपना वोट बहुत सोच समझकर ईमानदार आदमी को ही दें। और मैं आपसे अपील करता हूं क्योंकि मैं अभी नया प्रत्याशी हूं, इसे आपसे
अपील करता हूँ कि आप 17 नवंबर को मुझे गन्ना किसान पर बटन दगा पर विजयी बनाएं।